राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर की रहने वाली एक लड़की को भी हिम्मत मिली है और उसने अलवर के रहने वाले फलाहारी बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। भक्तों पर फूल बरसाकर मस्ती करने वाले इसी बाबा पर लगा है यौन शोषण का आरोप। इनका नाम है कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहारी महाराज। राजस्थान के अलवर में आश्रम है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की लड़की ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराया है एक पीड़िता ने, जो कि बिलासपुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, और उनके द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। पुलिस की टीम अलवर के दिव्य आश्रम में जब बाबा को खोजते हुए पहुंची तो पता चला कि बाबा तो अस्पताल में है। अब पुलिस अस्पताल के बाहर बाबा के ठीक होने का इंतजार कर रही है। यौन शोषण की घटना रक्षाबंधन के दिन की है। आरोप है कि प्रसाद खिलाकर यौन शोषण किया गया। लड़की लॉ की पढ़ाई कर रही है, इंटर्नशिप से मिले 3,000 रूपए बाबा को चढ़ाने गई थी। लड़की का परिवार इस बाबा का भक्त है, इसी वजह से लड़की बाबा को जानती थी। बताया जा रहा है कि बाबा के देश विदेश में लाखों भक्त हैं। इनके भक्तों में बड़े बड़े नेता भी हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और मोहन भागवत के साथ इनकी तस्वीरें हैं। अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ये फलाहारी बाबा है कौन, अब इसके बारे में जरा जान लीजिए। 60 साल के फलाहारी बाबा का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। लगभग 25 साल से वो अलवर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। करोड़ों की लागत से 4 साल पहले उन्होंने मंदिर बनवाया। छत्तीसगढ़ में भी इनका आश्रम है। हजारों की तादाद में इनके भक्त हैं जो इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। आहार में ये बाबा सिर्फ फल लेते हैं, इसीलिए फलाहारी बाबा कहा जाता है। हाथ में हमेशा डंडा रखते हैं, लेकिन अब इन्हीं फलाहारी बाबा के ऊपर लगा है बेहद गंभीर आरोप। ये है ABP News, आपको रखे आगे।